हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में हीरो के दो स्कूटर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। हो सकता है कि आप हीरो के स्कूटर खरीदने की सोच रहे होंगे, तो ये दोनों आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसको खरीदना चाहिए। यानी कि हीरो डेस्टिनी 125 एचटेक वेरिएंट और हीरो प्लीजर प्लस एचटेक वेरिएंट के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसको लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, किसमें आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी। ओवरऑल आपको सारी जानकारी डिटेल्स में यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए हम सारी बातें यहाँ पे आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कलर और इनके डिजाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि आपको हीरो डेस्टिनी में टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि इसका जो नया एक्सटेक वेरिएंट आया इसमें आपको, जिसमें आपको नेक्सस ब्लू, मैट ब्लैक, पर्ल सिल्वर व्हाइट, नोबल रेड, पैंथर ब्लैक, चेस्टनट ब्राउन्स और मैट रेड सिल्वर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसका जो एक्सटेक वेरिएंट आया है, इसमें डिजाइनिंग में भी चेंजेस हुआ है, डिजाइनिंग की बात भी आगे करेंगे। तो हीरो प्लीजर प्लस में भी आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें जुबिलेंट येलो, मैट वर्नियर ग्रे, मैट ब्लैक, पोल स्टार ब्लू, मिडनाइट ब्लैक, स्पोर्टी रेड और पर्ल सिल्वर व्हाइट शामिल है। यानी कि दोनों स्कूटर अगर आप परचेस करने जाएंगे तो आपको 7-7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्कूटर्स में से कुछ कुछ कलर ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कुछ कलर ऑप्शन में आपको बैक रेस्ट देखने को मिलेगा, कुछ कलर ऑप्शन में बैक रेस्ट नहीं दिया गया है। तो ये कुछ आपको चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप दोनों की डिजाइनिंग एक साथ देख सकते हैं। फ्रंट से काफी हद तक जो एलिमेंट दिए गए हैं दोनों के, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप हीरो डेस्टिनी में देख सकते हैं। फ्रंट एप्रन पे इसके आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाता है और यहाँ पे क्रोम के कुछ फिनिश मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही आपको एक्सटेक में भी फ्रंट एप्रन पे टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा और यहाँ पे क्रोम के फिनिश दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलग भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इसका जो हेडलैम्प सेक्शन देख सकते हैं, दोनों के हेडलैम्प सेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे जो डेस्टिनी का हेडलैम्प सेक्शन दिया गया है, थोड़ा सा आपको शार्पर डिजाइन मिल जाएगा, क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे केवल हेडलैम्प है जो कि स्प्लिट दी गई है। इसमें जो DRS दिया गया है वो इसके फ्रंट एप्रन पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्लीजर प्लस का जो हेडलैम्प सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ क्रोम का पार्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और DRS इसके हेड पे ही दिया गया है। तो DRS में आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं रियर व्यू मिरर जो दिया गया है आपको, अब सेम डिजाइनिंग का मिलता है क्रोम के साथ। और फ्रंट फेंडर को आप देख सकते हैं, अगर आप डेस्टिनी लेते हैं तो इसके फ्रंट फेंडर आपको मेटल का मिल जाता है, जहाँ पे आगे वाले हिस्से पे आपको फाइबर का भी यहाँ पे फिनिश देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्लीजर प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपको इसके फ्रंट फेंडर पे आपको यहाँ पे क्रोम का एलिमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोनों के हैंडल्स पे आपको एंड बार पे यहाँ पे क्रोम का पार्ट लगाया गया है। तो फ्रंट लुक दोनों का आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के साइड व्यू की अगर बात करें तो दोनों के आप साइड व्यू की भी देख सकते हैं। साइड से देखने में आप काफ़ी सिमिलर लगती है, क्योंकि डेस्टिनी में भी यहाँ पे फ्रंट में नया स्टोरेज ऐड कर दिया गया है, जैसा कि प्लीजर प्लस में पहले मिलता था। तो साइड लुक यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों के लेग स्पेस में भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे साइड जो पैनल है इन लोगों का, ये दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। डेस्टिनी की जो डिजाइनिंग है थोड़ी सी अलग है, प्लीजर प्लस की भी डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग है। तो साइड लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डेस्टिनी में आपको थोड़ा सा नीचे के साइड क्रोम पार्ट देखने को मिलेगा और प्लीजर प्लस में साइड में फ्लैट यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इनके दोनों के मफलर को आप देख सकते हैं, जो एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, ये भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो साइड में कुछ इस तरीके आपको डिजाइनिंग मिल जाती है। तो इसके रियर व्यू की बात करें तो दोनों के टेल लैंप सेक्शन में आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी और यहाँ से रियर से जो इसका बैक रेस्ट देख सकते हैं, जो डेस्टिनी है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ मिलती है, लेकिन एक्सटेक में यहाँ पे क्रोम के फिनिश के साथ यहाँ पे बैक रेस्ट दी गई है। तो ये इतना आपको डिफरेंस यहाँ पे इनकी डिजाइनिंग में आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको आप परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर दोनों के इंजन की बात करें तो डेस्टिनी 125cc सेगमेंट में आती है, जिसमें 124.6cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये प्लीजर प्लस में 110.9cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर एक्सेंस टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। बाकी डेस्टिनी का जो इंजन है 7000 RPM पर 9 BHP का पावर और 5500 RPM पर 10.4 Nm का टॉर्क जेन करता है। तो जो प्लीजर प्लस का जो इंजन है 7000 RPM पर 8 BHP का पावर और 5500 RPM पर 8.70 Nm का टॉर्क जेन करता है। तो दोनों के इंजन में आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेस्टिनी में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा। तो पावर फिगर देख सकते हैं, अगर आपको 125cc सेगमेंट में जाना है तो डेस्टिनी के साथ जा सकते हैं, अगर आप 110cc सेगमेंट में रहना चाहते हैं तो आप प्लीजर प्लस के साथ जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पावरफुल इंजन चाहिए या फिर आप 110cc सेगमेंट में रहना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको कीक और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाएगा।
सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो हीरो डेस्टिनी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर, तो इसके रियर में यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। तो प्लीजर प्लस एक्सटेक के फ्रंट में बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर और रियर में स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। बाकी दोनों के अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको टायर साइज लगभग आपको सेम मिल जाएंगे। डेस्टिनी के फ्रंट और रियर में 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी सेम आपको टायर मिल जाता है 90/100 का। तो प्लीजर प्लस एक्सटेक के फ्रंट और रियर में 90/100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, यानी कि टायर साइज में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, C8 के टायर्स मिल जाते हैं। तो डेस्टिनी के फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है और प्लीजर प्लस के फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, यानी कि दोनों ही ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ आती है, दोनों में ही डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी दोनों के फीचर्स की बात करें कि फीचर्स में आपको कितने डिफरेंसेस मिल जाते हैं, तो दोनों स्कूटर्स में आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। हीरो डेस्टिनी में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे इसके फ्रंट एप्रन पे DRLs का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रीजर प्लस एक्सटेक में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है और हेड पे इसके DRLs दिया गया है। हीरो डेस्टिनी में आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है जो कि एक्सटेक वेरिएंट में नया लॉन्च हुआ है और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है। हीरो कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके एनालॉग में आपको स्पीड की जानकारी मिल जाती है। तो इसके डिजिटल में ऑडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल ऑडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, SMS कॉल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिया गया है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी दिया गया है, I3S की लाइट भी मिल जाती है, तो कुछ इंडिकेटर्स लाइट भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये प्लीजर प्लस एक्सटेक लेते हैं तो इसमें भी आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि ये भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। हीरो कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके भी एनालॉग में आपको स्पीड की जानकारी मिल जाती है, डिजिटल में फ्यूल ऑडोमीटर, क्लॉक, कॉल एंड SMS अलर्ट, लो फ्यूल इंडिकेटर, I3S की लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। तो दोनों स्कूटर्स में आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा हीरो डेस्टिनी में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया है और प्लीजर प्लस में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर मिल जाता है। हीरो डेस्टिनी में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है जो कि स्कूटर के पीछे दिया गया है, यहाँ से आप अपने पेट्रोल को भरवा सकते हैं। और इसको फ्यूल फिलिंग को ओपन करने के लिए जहाँ पे चाबी लगती है आगे, जहाँ से स्कूटर स्टार्ट करते हैं वहीं से इसके फ्यूल फिलिंग ओपन कर सकते हैं। लेकिन प्लीजर प्लस में फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सीट के नीचे यहाँ पे फ्यूल फिलिंग दी गई है और इसके सीट को ओपन करने के लिए आपको चाबी पीछे लगानी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी आपको डिफरेंस मिल जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे प्लीजर प्लस है। इसके अलावा हीरो डेस्टिनी में आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पे बूट लाइट भी दिया गया है। तो ये प्लीजर प्लस में भी आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पे बूट लाइट दिया गया है। लेकिन डेस्टिनी की जो सीट है इसको ओपन करने के लिए आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे चाबी आप लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए वहीं से सीट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन प्लीजर प्लस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी सीट को ओपन करने के लिए चाबी आपको पीछे लगानी पड़ती है, तो ये आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। हीरो डेस्टिनी में आपको फ्रंट में स्टोरेज अब मिल रहा है, जहाँ पे USB सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। प्लीजर प्लस में भी आपको सेम स्टोरेज मिल जाती है और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, जहाँ से स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं। हीरो डेस्टिनी में आपको पिलियन बैकरेस्ट मिल जाता है, जहाँ पे पीछे एल्यूमिनियम की फिनिश दी गई है। तो वहीं प्लीजर प्लस में भी आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। इसके अलावा हीरो डेस्टिनी में आपको लगेज हुक मिल जाता है और लगेज हुक प्लीजर प्लस में भी दिया गया है। तो फीचर्स इन दोनों स्कूटर्स में काफ़ी हद तक आपको सिमिलर मिल जाती है, फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस आपको सीट ओपन करने वाली जो दिक्कतें हैं, जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है, इसमें आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप फ्यूल भरवाने के लिए सीट से उतरना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में आप डेस्टिनी के साथ जा सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती है, आप चाबी पीछे लगाकर सीट को ओपन कर सकते हैं, तो ऐसे में आप प्लीजर प्लस को भी ले सकते हैं। बस आपको ये डिफरेंस यहाँ पे फीचर्स में देखने को मिल जाती है। तो ये आगे बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की। तो डेस्टिनी 125C सेगमेंट में आती है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी आपको कम तो माइलेज मिलेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल जाती है। तो डेस्टिनी अगर आप लेते हैं तो आपको 45 तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा, लेकिन प्लीजर प्लस लेते हैं तो 45 से 50 तक आपको अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप स्पीड की बात करें तो हीरो डेस्टिनी की जो टॉप स्पीड है 95 तक है और प्लीजर प्लस की टॉप स्पीड 90 तक है। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी मैं टॉप स्पीड या फिर माइलेज बता रहा हूँ फिक्स नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कम भी हो सकता है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो ये बात कर लेते हैं दोनों के कुछ डायमेंशंस की। तो हीरो डेस्टिनी का जो लेंथ है 1809mm, V729mm, हाइट 1154mm, व्हील बेस 1245mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155mm, सीट है 778mm, फ्यूल टैंक 65 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 113kg है। तो हीरो प्लीजर प्लस एक्सटेक का जो लेंथ है 1769mm, V704mm, हाइट 1161mm, व्हील बेस 1238mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155mm, सीट है 765mm, फ्यूल टैंक 4.8 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 104kg और 106kg है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको दोनों में सेम मिल जाती है, सीट हाइट थोड़ी सी कम आपको प्लीजर प्लस में देखने को मिल जाएगी,
फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा डेस्टिनी में दी गई है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की अगर आपको स्कूटर चाहिए, आप भारी स्कूटर नहीं चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप प्लीजर प्लस को ले सकते हैं। बाकी दोनों के अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक एक्सरूम दिल्ली में प्राइस, स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं सबसे बेस वेरिएंट 69,990 यानी कि 69,990 रुपये तक एक्सरूम प्राइस है। एलेक्स वेरिएंट लेते हैं जो कि मिडिल वेरिएंट है, 74,950 रुपीज़ तक एक्सरूम प्राइस है। तो इसका जो एक्सटेक वेरिएंट है, जो टॉप एंड वेरिएंट है, उसका एक्सरूम प्राइस 80,690 यानी कि 80,690 रुपये तक है। अगर इस तीनों वेरिएंट के ऑनर प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में स्टैंडर्ड वेरिएंट 81,750 रुपीज़ यानी कि 81,750 रुपये तक मिल सकती है। एलेक्स वेरिएंट 86,700 यानी कि 86,700 रुपये तक मिल सकती है। तो एक्सटेक वेरिएंट 92,450 यानी कि 92,450 रुपये तक ऑन रोड अप्रॉक्स दिल्ली में मिल सकती है। तो हीरो प्लीजर प्लस एक्सटेक एक्सरूम दिल्ली में प्राइस, एलेक्स वेरिएंट यानी कि सीट मेटल व्हील वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 63,520 यानी कि 63,520 रुपये तक है। वीएक्स वेरिएंट यानी कि अलॉय व्हील्स के साथ 65,920 यानी कि 65,920 रुपये तक है। तो एक्सटेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 72,870 यानी कि 72,870 रुपये तक है। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में एलेक्स वेरिएंट 76,750 यानी कि 76,750 रुपये तक मिल सकती है। वीएक्स वेरिएंट 79,200 यानी कि 79,200 रुपये तक मिल सकती है। तो एक्सटेक वेरिएंट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 86,000 रुपीज़ यानी कि 86,000 रुपये तक आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे इन दोनों के आप प्राइसिंग को देख सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ऐसे में आप एक्सटेक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स दोनों स्कूटर में लगभग आपको सेम मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आप 110cc सेगमेंट में ही जाना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप प्लीजर प्लस के साथ जा सकते हैं। तो इन दोनों की प्राइस में आपको लगभग इसके एक्सटेक वेरिएंट से अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग आपको 7,000-8,000 रुपये का फर्क देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 7,000-8,000 रुपये तक अपने बचाना चाहते हैं तो ऐसे में आप प्लीजर प्लस के साथ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी है तो आप प्लीजर प्लस को ले सकते हैं। ओवरऑल जो डेस्टिनी जो नई वेरिएंट आई है इसमें जो अपडेटेड फीचर दे दिए गए हैं, अपडेटेड लुक दे दी गई है, तो अगर आप 125cc सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप डेस्टिनी को ले सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि किसको चलाना है और कौन सा आपको पसंद आती है। तो इन दोनों स्कूटर में से आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको डिटेल दे दी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर भी बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।